हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूँ, अपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो गाइस, जो आपने शुरुआत में यहाँ पे वीडियो देखी कभी ज़्यादा वायरल है रील्स के ऊपर, एंड आप उस टाइप की रील्स बना के रील्स पे अपलोड करोगे तो दोस्तों जाहिर सी बात है आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ सकते हैं एंड आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने कैसे उस टाइप की वीडियो की एडिटिंग करनी है, कैसे क्या करना है, सब कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। बट उससे पहले दोस्तों वीडियो को पूरा आपने लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड देखते रहना। अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अपने फोन के स्क्रीन के ऊपर आ गए। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने VN ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं और नीचे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे आना है और फोटोज पे क्लिक करना है दोस्तों। और जिस भी पर्सन की आप फोटो को बनाना चाहते हो उसके आपने एक फोटो को ले लेना है। ठीक है, एक फोटो मैंने ले ली है, इस पर क्लिक करेंगे एनिमेशन पे। तो यहाँ पे देखिए फोटो मेरी आ चुकी है। ठीक है, लास्ट में ब्लैक सब आर्टिस्ट को डिलीट कर देंगे और ऊपर दोस्तों इसके लेंथ को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे यहाँ पे। ठीक है थोड़ा सा अपने यहाँ पे इसके लेंथ को बढ़ा देना है। म्यूज़िक पे क्लिक करना है, म्यूज़िक पे आना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल पे एक वीडियो मिलेगी ये वाली, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ओके निशान पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैंने पहले से कर रखा है। तो देखिए यहाँ पे ऑडियो आ चुका हमारा सबसे ऊपर फर्स्ट में। तो बस म्यूज़िक बीट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ बीट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले वाली बीट 0.50 सेकंड है, जो दूसरी वाली बीट है वो 0.85 सेकंड है, जो तीसरी वाली बीट है 1.25 सेकंड, जो फोर्थ वाली बीट है 2.07 सेकंड है, जो फाइव वाली बीट है वो 2.74 सेकंड। ठीक है, और जो सिक्स वाली दोस्तों जो बीट है वो 3.30 सेकंड और सेवन वाली दोस्तों बीट है वो 4.19 सेकंड। इस तरीके से दोस्तों बीट्स को लगा देना है, इस निशान पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए बीट्स हमारी लग चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों जहाँ जहाँ पे ये कट है उस वहाँ वहाँ पे आपने कट लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ जो कट यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे तो उसके लिए दोस्तों क्या करना, आपने मैं आपको बताया था, इसको आपने पीछे तक लेके आना है और जहाँ पे आपका कट है देखिए यहाँ पे कट है, देख सकते हैं यहाँ तक हमारा कट है, तो उसको यहाँ तक ले आएंगे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, फिर डुप्लीकेट पर दोस्तों क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से आप डुप्लीकेट पर क्लिक करके यहाँ पे कट लगा सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भी कट नहीं लग रहा है, पहले आपने यहाँ पे खूब सारे डुप्लीकेट कर लेने हैं। ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख अब दोस्तों आपने करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आपने इस पर क्लिक करना है, इसको इसके साथ मैच कर देना है, इसको इस कट के साथ मैच कर देना है और यहाँ पे ये जो वाला कट है इसको इसके साथ मैच कर देना है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एंड इसको क्या करना है, इसको इस पर इसको इसके कट के साथ मैच कर देना है, इसको थोड़ा सा और डुप्लीकेट और बना लेने इसके। ठीक है, अब ये जो कट है इसको इसके साथ मैच कर देना है यहाँ पे। ठीक है, फिर दोस्तों आपने क्या करना है, ये वाला ये देख सकते हैं आप लोग, इस पर इसको इसके साथ मैच कर देना है। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसको यहाँ तक लेके आना है और ये जो दोस्तों पार्ट है इसको हटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इस टाइप से हमारा जो एक बेसिक सा लुक आ गया है। ठीक है, बीट के साथ हमने मैच कर दिया। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें इफेक्ट वगैरह को ऐड करना है। ठीक है, दोस्तों इफेक्ट मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आपने कहाँ कहाँ पे इफेक्ट लगा देने हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे इफेक्ट वगैरह ऐड कर लिए, देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से आपने यहाँ पे ऐड कर लेने, मैं आपको बताया था। सबसे पहले वाले जो जो ये बीट है यहाँ पे जो फोटो दिख रही है आपको, इस पर क्लिक करना है और नीचे आपको मिल जाएगा जूम का, इस पर आपने जूम इन वाला लगा देना है। ठीक है, और नेक्स्ट वाला जो है दोस्तों ये वाला, इस पर क्लिक करना है, इस पर भी आपने जूम मूव अप वाला लगा देना है और इसको थोड़ा सा आपने देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको जूम कर दिया था, इस तरीके से आपने इसको जूम कर देना है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा आपने जूम कर देना है, उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करके मूव अप वाला लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से नीचे से कुछ अच्छा लगा, नीचे से कुछ निकल के आ रहा है फोटो आपकी। ठीक है, इतना करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है, अगले वाले पे इस पर क्लिक करना है, एफएक्स पे आना है और यहाँ पे आपने लगा देना है फ्लैश वाला, लेंथ फुल कर देनी इसकी। ठीक है, फिर ये जो प्लस वाला आइकन इस पर क्लिक करना है, वाइट वाला लगा देना, लेंथ इसकी फुल कर देना है। ठीक है, इस तरीके से हो चुका है, अगले वाले पे क्लिक करना है, यहाँ पे एफएक्स पे आना है, यहाँ पे स्लाइड राइट वाला लगा देना, लेंथ इसकी पूरी फुल कर देनी है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों आपने करना है और आगे आगे प्लस वाला आइकन इस पर क्लिक करना है, इस पर भी आपने वाइट वाला लगा देना, लेंथ आपने फुल कर देनी है। ठीक है, फिर ये जो वाला पार्ट है, ये वाला दोस्तों जो पार्ट है इस पर क्लिक करना है, जूम पे क्लिक करना है, मूव लेफ्ट वाला लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से कुछ आएगा आप। फिर अगले वाले पे दोस्तों फोटो पे क्लिक करना है, जूम पे आना है, मूव जूम आउट वाला लगा देना है। फिर अगले वाले पे दोस्तों क्लिक करना है, एफएक्स पे आना है और यहाँ पे जीटल वाला लगा देना है, लेंथ इसकी फुल कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपने कर देना है। ठीक है, अगले वाले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों, वाइट वाला लगा देना, लेंथ फुल कर देनी है इसकी। फिर अगले वाले पे दोस्तों क्लिक करना है, ये वाला जो है
ठीक है। जूम पे आना दोस्तों, यहाँ पे जूम इन लगा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी जो वीडियो बनके कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आपने ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 90 स्क्रीन सेलेक्ट कर देना है, मैंने पहले से कर रखा है दोस्तों। और नीचे दोस्तों नीचे आप पे क्लिक करके क्रॉप पे क्लिक करके यहाँ पे 90 स्क्रीन सेलेक्ट कर देना है। इस तरीके से जितने भी आपने यहाँ पे कट लगा रखे हैं सब में आपने यहाँ पे इसी रिश्तों को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, इसी वे में आपने यहाँ पे सब में 90:16 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो चुका है, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट कर लेना फटाफट। सो एक्सपोर्ट हो गया आपने दोस्तों, क्या करना आपने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके आपको एक वीडियो दिखाई देगी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आपने ये जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे VHS इस पर क्लिक करना है, और ये आपको जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने फिर से बैक आना है दोस्तों, फिर से आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे नीचे उर्बान करके इस पर क्लिक करना है, इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है। आपने फिल्टर जो सेव कर लिया, आपने प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे रील्स पे चले आना है दोस्तों, रील्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे वीडियो का ऑप्शन लगता है, वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वीडियो आपने जो आपने बनाई थी वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे देखिए वीडियो ऐड हो रही है हमारी। सो बस प्रीव्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे, उसके दोस्तों आपने यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे हम जो अभी इंस्टाग्राम से सेव करा है वो फिल्टर आपने लगा देना है दोस्तों। जो वीडियो मैंने दिखाई थी आपको उसमें दो फिल्टर ऐड थे, तो दोनों फिल्टर दोस्तों आप एक साथ ऐड नहीं कर सकते हो, तो पहले वाला आपने ऐड कर देना है, डन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है वीडियो सेव, ठीक है। यहाँ पे आपको देखा ये वाला, इस पर क्लिक कर देना है। सो गाइस मैंने यहाँ पे वीडियो सेव कर लिया, आपने बैक आना है दोस्तों। बैक आने के बाद यहाँ पे डिस्कार्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना है, और फिर से आपने इस पर क्लिक करना है, और हमें जो अपनी वीडियोस अभी सेव करी है उस पर क्लिक करना है दोबारा से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग मैंने कर दिया। एंड गाइस इतना करने के बाद आपने यहाँ पे फिर से FX पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने दूसरा वाला जो फिल्टर हमने ऐड किया था उसको लगा देना है। ये देख सकते हैं आप लोग, डन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको यहाँ पे रील्स पे अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से। और अगर चाहो तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके सेव भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके टाइप की वीडियो यहाँ पे बना सकते हो, काफ़ी सिंपल है, मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है, फटाफट से फॉलो कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।